हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके डिमांड पे आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसमें बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर है, जो शुरू में उसका डेट शीट था बट वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अब वो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज़ मैनेजमेंट का क्वेश्चंस अपलोड करिए। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका दो पेपर है जिसमें दो दो यूनिट्स दोनों पेपर्स में है, कुल मिला के चार यूनिट्स है। पेपर वन में दो यूनिट्स और पेपर टू में आपका दो यूनिट्स। पेपर वन में पहला यूनिट जो है आपका वो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट्स के बारे में है, जैसे मैनेजमेंट का मीनिंग, फंक्शंस, नेचर, ठीक है। इसके अलावा मैनेजमेंट जो डिफरेंट थॉट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, फियोल, FW टेलर, एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, ठीक है ना, इन मिंटवर्क, इन सब की थ्योरीज हैं, ठीक है। और इन सब की थ्योरीज पे के अलावा जो आपका मैनेजमेंट का ये जो पहला पोर्शंस है उसके रिगार्डिंग मैं आपका पहला यूनिट पेपर वन का वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। इसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं आपके और सब मैनेजमेंट के बेसिक टॉपिक से रिलेटेड से। आइए एक बार इन 100 क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में देखते हैं। सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस आपको बस एक रिवीजन करना है। देखिए, आइए बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर यूनिट्स वन। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज, आप जानते हैं मैनेजमेंट कि साइंस और आर्ट्स दोनों है। मैनेजमेंट्स में दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। सेकंड है, मैनेजमेंट इज नीडेड एट, मैनेजमेंट की जरूरत हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो कह सकते हो लोअर लेवल हो, हर लेवल में मैनेजमेंट की जरूरत है। ये हाँ आंसर आपका डी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस, इंटरमीडिएट प्रोसेस, नन ऑफ दिस, कंटिन्यूअस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक बार करके बैठ गया, जब तक आप बिजनेस करेंगे तब तक आपको मैनेजमेंट को करना होगा, यानी मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस का रोल प्ले करना होगा, यानी यहाँ हमारा पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। फिर आता हूँ, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये किसी का स्टेटमेंट भी है कि ये प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट नहीं है, ये पीपल यानी लोगों का एक विकास है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ध्यान दीजिएगा। ये मैनेजमेंट वस्तुओं का नहीं, लोगों का विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट थिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थियो हैमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर, इनके हिसाब से मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को तीन पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज, जो मैनेजमेंट का यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट से वो फियोल ने दिया है, ये आपका बी आंसर होगा यहां पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी फियोल द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसको सिक्स पार्ट्स में क्या किया गया है, बांटा गया है। जस्ट अ मिनट, हाँ एक मिनट, इसमें गलती हो रही है, जस्ट सब वेट करिएगा, मैं कंफर्म कर लूँ। अकॉर्डिंग टू हेनरी फियोल द प्राइम, हाँ ये फोर होगा आपका ऑप्शन, ये ठीक है, ये फोर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज, फादर ऑफ साइंटिफिक FW टेलर कहा जाता है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर बर्थ प्लेस ऑफ टेलर, टेलर अमेरिकन सिटीजन थे, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ फ्योल, फ्योल फ्रांस से बिलोंग करते थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट का एक फंक्शन है इसको मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। आगे, फादर ऑफ प्रोसेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वाज, ये हेनरी फियोल हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हेनरी फियोल होगा। नेक्स्ट पे आता हूं, आइए नेक्स्ट, द बर्थ प्लेस ऑफ एल्टन मेयो, एल्टन मेयो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये ह्यूमन थ्योरी से रिलेटेड है, अभी आपको आगे बताएंगे, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स था उसकी, इनकी थ्योरीज है, अभी आगे आएगा। नेक्स्ट,
Who developed the administrative management theory? Henry Fayol. Henry Fayol ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को क्या किया है, प्रोपोन्स किया है. नेक्स्ट में आते हैं. द न्यू क्लासिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, जो मैनेजमेंट के क्लासिकल अप्रोच और न्यू क्लासिकल अप्रोच में ये किसकी बात कर रहा है, न्यू क्लासिकल अप्रोच, और ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. इसका आंसर आपका डी होगा. ठीक है, नेक्स्ट. द कंटीजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन. कंटीजेंसी अप्रोच को हम लोग सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं. ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए. मैनेजमेंट इज द डिटर्मिनेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहलाता है. नेक्स्ट पे आइए. मैनेजमेंट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज. मैनेजमेंट जो है वो इससे, मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी घटता नहीं है, बढ़ता है. आइए नेक्स्ट पे आते हैं. मैनेजमेंट मेक यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स, मेक इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स. यही होगा आपका, आगे के ऑप्शंस मतलब है नहीं, इफिशियंट. नेक्स्ट पे आते हैं. मैनेजमेंट इज डिक्रीजेस. मैनेजमेंट से क्या डिक्रीज होता है, इफिशियंसी नहीं. इफिशियंसी तो मैनेजमेंट से इफिशियंसी बढ़ती है, कॉस्ट. हमारा बेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट पे आते हैं. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग. मैनेजमेंट कहां हेल्प करता है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन? नो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन. मैनेजमेंट हेल्प करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में. नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशंस गोल, बोथ. मैनेजमेंट दोनों गोल्स को अचीव करता है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू वेदास, वन मस्ट अर्न वेल्थ बाय डीड्स ऑफ ग्लोरी. ये आपके सिलेबस में मैनेजमेंट्स को हमारे वेदों से जोड़ा गया है, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सिलेबस में वेद से रिलेटेड भी हैं. अभी कई और भी क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट इज द मनी अकॉर्डिंग टू द वेदास. वेदों में मनी का सेंस ग्रीन एनर्जी से है. किससे है? ग्रीन एनर्जी से है. नेक्स्ट आइए देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द वेदास, व्हाट आर द अर्ली राइजर्स रिवॉर्डेड. यानी वेदास के अकॉर्डिंग क्या अर्ली राइजर अवॉर्डेड है, तो ट्रेजरस खजाना. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. द मैनेजेरियल रोल अप्रोच वॉज पॉपुलराइज्ड बाई, यानी जो मैनेजमेंट का जो मैनेजेरियल रोल अप्रोच है वो किसने उसको किया था, तो ये मिंट वर्क को जाता है इसका कंट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट आइए अगला. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. इसमें से कौन मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, मिंट्सबर्ग डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू थ्री पार्ट्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. आइए नेक्स्ट पे आते हैं. हु रिमार्क्ड मैनेजमेंट थ्योरी एज मैनेजमेंट थ्योरी जंगल. ये कुंट्स ने इसको प्रपोन्स किया था. आइए नेक्स्ट पे आते हैं. वेयर वॉज द हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड. हार्थोन एक्सपेरिमेंट जिसमें एल्टन मेयो का नाम आता है, ये किस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया गया था, उस कंपनी का नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी. अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे. द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर मोशन स्टडी, फेटिट्यूड स्टडी एंड टाइम स्टडी. मोशन, फेटिट्यूड, ये आपका तीनों ये हो जाएगा, मोशन, फेटिट्यूड स्टडी एंड टाइम स्टडी. नेक्स्ट, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस. साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1903 में, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत फेमस है. हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं. आइए अगला. द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. ना तो अर्निंग प्रॉफिट हमारा पर्पज है, ना ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ये पॉलिसी मेकिंग. मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है, इसकी बात हो रही है, पॉलिसी मेकिंग नहीं. ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं. पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज इशेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये क्वेश्चन ऊपर भी था आपका.
कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसके बारे में कह रहा है। आइए नेक्स्ट देखता हूँ क्या। मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ट्रांसमिट्स ऑर्डर डाउनवर्ड्स, मोटिवेट, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा इसमें। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब हो जाएगा, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल है इसमें। नेक्स्ट क्या है देखिए आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, ये सब किससे रिलेटेड है, स्टाफिंग। स्टाफिंग जो फंक्शन है इसमें मैनेजमेंट वर्कर्स का सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारी चीजें वहां आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट जो है जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एब्सोल्यूट लॉस नहीं होते। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या। हेनरी फ्यूल वॉज सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, एक इंजीनियर थे हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेस्ट डिस्क्राइब बाई, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया गया। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, नहीं। वर्कर्स शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, नहीं। रिसोर्सेस, ये तो सब आ रहा है, एक मिनट, ये पहला भी है, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल, हाँ पॉसिबल है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ये भी हो सकता है। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड ऑल, इट्स नहीं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ जो डी है, इट्स लीड टू, हाँ स्पेशलाइजेशन, ये होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टी, इनमें से कौन साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं है, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये आपका प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफाइंड इन दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो मेथड स्टडी के ऊपर बेस्ड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन साइंस लेबोरेटरी, रॉन्ग, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, बिल्कुल सही है। जो एक्सपीरियंस काम करते करते जो मैनेजर्स को एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज होता है, उसी के बेसिस पे इसको फॉर्म किया जाता है। एफ डब्ल्यू टेलर वॉज मैकेनिकल इंजीनियर। आई अंडर फंक्शनल फॉरमैनशिप, मशीन्स, टूल्स, एक्सेट्रा आर अरेंज फॉर द ऑपरेशन बाय गैंग बॉस। नेक्स्ट, मेंटल रिवोल्यूशंस कॉल्स फॉर चेंज ऑफ मेंटल एटीट्यूड्स ऑन द पार्ट्स ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर, सही है, यही होगा आपका, फर्स्ट ही होगा, ठीक है, यही होगा फर्स्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, जो मैनेजमेंट्स का क्लासिकल थ्योरी है उसमें क्या है, डेलीगेशन भी आता है, ऑर्डर भी आता है, वर्क डिविजन सब आता है, ये हम लोग का फोर्थ ऑप्शन होगा, ये फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 50, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट, न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, ह्यूमन ओरिएंटेड सब है इसमें, आपका सारी चीजें आएंगी, ये आपका डी होगा आंसर। फिर आइए नेक्स्ट क्या देखिए। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट, जो मैनेजमेंट का सिस्टम अप्रोच है उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट सही है, कम्युनिकेशन मेथोलॉजी ये भी होता है, डिसीजन सब हो जाएगा, यहां भी ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फ्यूल अटेम्प्टेड टू डेवलप, फ्यूल ने किस चीज के लिए प्रयास किया है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसकी बात हो रही है। Which of the following elements of scientific management was given by Taylor? And इसमें से कौन सा elements Taylor ने दिया है? Time and motion दिया है, function, formanship दिया है, इसने सब दिया है, इसमें हमारा answer D होगा। Father of human relations approach, Elton Mayo, मैं बताया human relation Elton Mayo से related है। Elton Mayo contribution of management development thought was human relations approach, सही है। नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड सही है, सो सब होगा इसमें, ऑल हो जाएगा।
चेस्टर बर्नार्ड्स इंपॉर्टेंट राइटिंग्स इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन से ए भी होगा, एलिमेंट्री कंडीशन सब हो जाएगा, यहां भी ऑल होगा आपका। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज नॉट गिवन बाई, इनमें से कौन फ्यूल का नहीं है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन ए भी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्टैंडर्डाइजेशन इनके प्रिंसिपल्स में नहीं आता है, फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में ये नहीं आता है। विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द क्लासिकल थ्योरी में क्या है, ब्यूरोक्रेटिक्स आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट सब आएगा, ये आपका चारों हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, न्यू क्लासिकल थ्योरी इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट्स, सही है, सिस्टम अप्रोच नहीं नहीं आएगा, बिहेवियरल साइंस आइए, पहला ए और सी होगा, मॉडर्न अप्रोच मैनेजमेंट थ्योरीज नेम्स, जो मॉडर्न अप्रोच है उसका नेम्स क्या है, क्वांटिटेटिव ऑपरेशन रिसर्च, कंटिजेंसीज अप्रोच, सारे नाम्स हैं इनके, ये ऑल ऑफ दीज होगा। आइए ब्यूरोक्रेटिव मॉडल्स वॉज गिवेन बाई मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिव मॉडल को दिया था, ये हमारा पहला फर्स्ट। ऑथर ऑफ मेकिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवेन बाई उर्विक एंड ब्रिज। नेक्स्ट क्या है, देखिए द सॉप मैनेजमेंट वॉज गिवेन बाई ये F.W. टेलर। गैंग बॉस इज रिलेटेड टू, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले पार्ट्स में है, वर्किंग रूल, स्पीड ऑफ डिफरेंट मशीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड मशीन से रिलेटेड है, ये हमारा सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें से कौन साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित नहीं है, प्रोडक्शन इफिशियंसी मैकेनिस्टिक मेथड, ये हमारा सी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आगे हेनरी फ्योल सपोर्ट्स द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मैकेनिस्टिक अप्रोच, ये आ जाएगा आपका ये। आई द फेमस बुक्स जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाई फ्योल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स कही जाती है जिसके ऑथर फ्योल हैं। आई मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड्स टेक्निकल स्किल्स आएगा, डायग्नोस्टिक स्किल्स ये भी आएगा, सब आ जाएगा, ये ऑल ऑफ द एवब में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन 20 में छूट रहा था, ये हो चुका है राइट, ये 68 था, हाँ इसमें हमारा ऑल ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर है पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट क्या है, देखिए आइए, द फादर ऑफ ब्रेन स्ट्रोमिंग वॉज एलेक्स एफ ओसबोर्न। आई नेक्स्ट क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा 14 जो प्रिंसिपल्स हैं फ्योल उसमें कौन सा नहीं आता, सबॉर्डिनेशन आता है, स्प्रिट द क्रॉप आता है, यूनिटीज ऑफ मैनेजर, ये आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या, वट इज द बेसिस ऑफ द मेंटल रेवोल्यूशन साइंटिफिक मैनेजमेंट, यही होगा आपका फर्स्ट। 73 द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, नहीं, यूनिटी अमंग सबॉर्डिनेट नहीं, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टॉप अथॉरिटी नहीं, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, यही होगा डी। F.W. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सिंपल क्वेश्चंस है। स्प्रिट द क्रॉप प्रिंसिपल्स वाज इनिशिएटेड बाय हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में ये भी आता है। हु प्रोपाउंडेड द 14 प्रिंसिपल, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट, क्वेश्चंस चेंज हो गया, हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, एक क्वेश्चन था 14, अब 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, हेनरी फ्योल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक्स जनरल एंड, एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये हेनरी फ्योल्स का है, ठीक है। नेक्स्ट Which of following is not a part of the modern management theory? इनमें से कौन modern management theory नहीं है, ठीक है, quantity approach है, system approach ये भी है, contingency, ये scientific management modern approach में नहीं है, ठीक है। Next पे आइए,
हेनरी फ्योल इज फेमस फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आपका ये, हेनरी फ्योल को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की थ्योरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, एफ डब्ल्यू टेलर। आइए, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ये होगा हमारा अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन मैनेजमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू फ्योल, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, कमांडिंग, मोटिवेशन उनके अकॉर्डिंग नहीं। आई नेक्स्ट क्या देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्योल कौन, स्केल चेन है, डिविजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में नहीं आता। फ्योल से मांग चलिए 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेट पूछेगा, क्योंकि उनका जो 14 प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहली बात तो कितने प्रिंसिपल्स दिए, उनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स नहीं है, वो क्वेश्चन चल रहा है। आइए फिर वो क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल इज फेमस फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या, फंक्शंस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाई टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये होगा हमारा आंसर। 86 पे आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक, वही देखिए क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाई टेलर, स्टैंडर्डाइजेशन इज अ, कौन इसमें से है, डिपार्टमेंटेशन नहीं है, स्पेन ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, स्केलर चेन भी है, ये तो ये आपका पहला स्टैंडर्डाइजेशन इनका फीचर नहीं है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फीचर, ये तीनों फीचर्स नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन फीचर है। नेक्स्ट देखिए क्या, अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट द जॉब ऑफ शॉप फ्लोर मैनेजर इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिस फंक्शंस वाइज, ये किस दो फंक्शन से बढ़ता है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन दो पार्ट से बढ़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हु कीप्स अ चेक ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डिवीजन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इंस्पेक्टर जो है वो क्या करता है, चेक करता है वर्क को, विच मैनेजमेंट थिंकर इम्फेसिस ऑन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, तो ये टेलर का नाम इसमें आता है। नेक्स्ट देखिए क्या, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन ट्रू है, इट्स कंसिडर्ड पीपल एज अ ग्रुप ऑफ सोशली एक्टिव मेंबर्स, नहीं है, इट्स कंसिडर्ड ह्यूमन बींग लाइक अ मशीन, यही आपका होगा, बी हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हु गिव द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल ने इस वर्ड्स को दिया था। नेक्स्ट, फ्योल डिवाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन हाउ मैनी ग्रुप, 6 ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई फ्योल, मैक्सिमम आउटपुट यही पहला ही हो गया आपका यहाँ पे, ये उनके 14 प्रिंसिपल्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या, According to Fuel, which of following is the most important functions of manager? इनमें से कौन सा planning सबसे important function है management का? Next, the book Function of Executive was written by Chester Bernard. Next देखते हैं क्या? Which of following concepts was not given by Chester Bernard? इसमें से कौन सा informal दिया था उन्होंने? फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेलर के उसमें एफडब्ल्यू टेलर्स में काउंट होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटम अप अथॉरिटी वॉज डेवलप्ड बाई हेनरी फ्योल, नहीं हाँ चेस्टर्स बर्नार्ड ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। आई नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी वॉज गिवन बाई हेनरी फ्योल, नहीं चेस्टर्स बर्नार्ड ये दिए थे।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 100 ही लास्ट होगा. विच ऑफ फॉलोइंग मैनेजमेंट थिंकर्स वॉज नोन एज डिसीजन थ्योरिस्ट. किसको इनमें से हम लोग डिसीजन थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं? हेनरी फ्योल नहीं, हर्बर्ट साइमन. ये आई थिंक इट्स लास्ट क्वेश्चन. ये आपके मैनेजमेंट के यूनिट्स वन का 100 क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, कुछ एक ही टॉपिक्स पे कई क्वेश्चन बनाए गए सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए. यहाँ पर्पज ये भी है, मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा देता हूँ कि बच्चे रिविजन्स प्रॉपर कर पाए. कुछ बच्चे कमेंट्स में इस बात को भी मेंशन करते हैं कि सर क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं. अगर उस टॉपिक से आप पढ़ के एमसीक्यूज करेंगे तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. तो फ्योल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैंने सबको लाने की कोशिश की, टेलर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैंने सबको लाने की कोशिश की. ये हम लोग का यूनिट्स वन है, जिस यूनिट्स वन में मैनेजमेंट का बेसिक जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक्स वही हेनरी फ्योल, फिर से एल्टन मेयो, एफ डब्ल्यू टेलर, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, इन लोगों से ज्यादा रिलेटेड है मिंट्सबर्ग. तो इनको अच्छे से तैयार करिए, फिर मैं आपको पेपर वन के दूसरे यूनिट्स का ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा. जो आपके दोनों पेपर्स में दो दो यूनिट्स है ना, मुझे चार वीडियो अपलोड करने हैं. बिजनेस मैनेजमेंट के में फर्स्ट पेपर में दो यूनिट्स हैं, दो वीडियो जाएगा उसके लिए, और उसके बाद आपके सेकंड में दो वीडियो जाएगा. वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, मे भी किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा. वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस, सारे एरिया, सारे सिलेबस कवर किए जा रहे हैं. फिर भी कोई डाउट्स हो तो मेंशन जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, जिससे उनकी तैयारी अच्छी हो पाए. फिर बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा नए उसके साथ.